every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग ओसी का यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं आपसे स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के लिए दोस्तों लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं, जो पिछले एपिसोड में मैं बताया था कि बाल अवस्था के दो भाग होते हैं, एक तो अर्ली चाइल्डहुड होते हैं, चाइल्डहुड के दो भाग होते हैं, एक तो अर्ली चाइल्डहुड होते हैं फर्स्ट नंबर में और दो नंबर में होते हैं लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, ये था उसमें पहला नंबर का जो है, आप देख सकते हैं ये पहला नंबर का जो है उसमें होता है स्टेज ऑफ प्रॉब्लम, इसको समस्या का काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को समस्या का काल कहा जाता है, स्टेज ऑफ प्रॉब्लम पहला पॉइंट, उसमें सब पॉइंट होगा। इसमें क्यों कहा जाता है, मतलब समस्या का काल बाल्यावस्था को क्यों कहा जाता है, तो इसमें देखिए स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, मतलब इसका जो पर्सनैलिटी होता है स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। विशिष्ट पर्सनैलिटी का मतलब हुआ व्यक्तित्व, जिस बच्चे को जो बाल्यावस्था में जो रहते हैं बच्चे, उसका व्यक्तित्व अलग होता है, एक विशिष्ट प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, इसलिए इसको समस्या का काल कहा गया है। दूसरा है इम्फेसिस ऑफ फ्रीडम, इसमें स्वतंत्रता की भावना रहती है, ये हमेशा स्वतंत्र रूप में रहना चाहते हैं, कोई भी काम स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं। ये एपिसोड नंबर 2 है, अगर आप एपिसोड नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें आपको एपिसोड 1 का लिंक मिल जाएगा। और अगले सब्जेक्ट का मैं वीडियो जल्द लेके आऊँगा। इसमें एम्फेसिस ऑफ फ्रीडम, एम्फेसिस ऑफ फ्रीडम में मैं बता दूं आपको कि इसमें स्वतंत्रता की भावना होती है, ये हरदम स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता है। आप जान सकते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ एम्फेसिस ऑफ फ्रीडम होते हैं। क्वेश्चन में जब पूछा जाए बाल्यावस्था के किसी भी रूप में पूछा जाए तो आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाल्यावस्था के अगर विशेषता पूछी जाए तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पॉइंट ये डाल के उसके बाद डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने पॉइंट डाला है उसी प्रकार से पॉइंट डालिएगा, स्टार मार्क करके आप कर सकते हैं। उसके बाद है एंटीगोनास्टिक, एंटीगोनास्टिक मतलब ये विरोधात्मक होता है, कोई भी काम आप कहिएगा बुआ ये काम मत करो तो वो काम वो निश्चित ही रूप से करता है, तो इसको कहा जाता है एंटीगोनास्टिक, विरोधात्मक भावना होती है, विरोध की भावना होती है। बोलेंगे कि बुआ उसके साथ मत जाओ खेलने के लिए, वहाँ मत जाओ, वो चीज़ मत करो, वो मत छुओ, तो वो ही चीज़ वो छूने जाएगा, इसमें ये प्रवृत्ति होती है, तो इसको इसीलिए ये कहा जाता है प्रॉब्लम्स, स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद है निगेटिविटी, निषेधवादक, ठीक है, निषेधवादक इसमें रहता है क्या, तो इसमें सेम होता है यही विरोधात्मक, जहाँ कहेंगे आप निषेध कीजिएगा जो काम करने के लिए वही काम करेगा, बोलेंगे कि ये काम मत करो तो वो बोलेगा कि हाँ ये काम करना है, तो ये निषेधवाद निगेटिविटी होती है इसमें किसी भी काम के लिए। दूसरा पॉइंट जो है लेटर चाइल्डहुड, उसमें भी होते हैं, उसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं, मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, इसमें देखिएगा उसमें होता है जो मैं बता रहा हूँ, लेटर चाइल्डहुड में लेटर चाइल्डहुड में भी कई प्रकार होते हैं। ये तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, वो था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक जो होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और ये लेटर चाइल्डहुड होते हैं वो 6 से 12 वर्ष तक होते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक है, उसको बारे में मैं डिसाइड कर देता हूँ, यहाँ एक मिनट, ठीक है, यहीं पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, यहाँ डिस्क्राइब करूँगा मैं। इसमें पहला होता है कि स्टेज ऑफ ट्रबलसम इज, इसको कहते हैं उत्पादी अवस्था, ठीक है, स्टेज ऑफ ट्रबलसम इज, इसको बोलते हैं उत्पाती अवस्था। उत्पाती अवस्था में आप देखेंगे इसको कि ये हर समय आपको उत्पात मचाते रहता है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहता है इस एज में। ठीक है, इस एज में देखेंगे, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो किसी न किसी चीज़ के लिए उत्पात मचाते रहता है, ये होता है इसका उत्पाती स्वरूप होता है बाल्यावस्था के।
और इसमें अगला जो होता है पॉइंट, इसका लेटर चाइल्डहुड का मैं बता रहा हूँ अभी, ये दूसरा है, दूसरा का ये पहला, दूसरा ये मैं बता रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा, दूसरा होता है पीरियड ऑफ क्वारेल, मतलब होता है झगड़ालू, पीरियड ऑफ क्वारेल, यू यू ए डबल आर ए एल आई एल वाई, क्वारेल मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाई की भावना जो होती है। झगड़ालू भावना होती है इसमें, देखिएगा किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी बातों के लिए अक्सर ये इस अवस्था में बच्चे झगड़ते रहते हैं। इसको आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, पीरियड ऑफ क्वारल, मतलब झगड़ालू की भावना होती है इस एज में। उसके बाद है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ डिस्क्राइब कर सकता हूँ, यहाँ मैं बता दूँ आपको। तीसरा जो होता है, तीसरा होता है एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है, एलिमेंट्री एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, बिल्कुल सही है, ये प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें एलिमेंट्री स्कूल एज होता है। इसमें बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, वहाँ वहाँ उसकी उस तरह से उसकी परवरिश होती है, विद्यालय में जाने के बाद उस तरीके से शिक्षा दी जाती है, तो ये एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसको कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड को, लेटर चाइल्डहुड को एलिमेंट्री स्कूल भी कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है, स्टेज ऑफ ट्रबलसम कहा जाता है, उत्पादी अवस्था हिंदी में बोल सकते हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ क्वारल मतलब झगड़ालू, झगड़ालू की अवस्था, झगड़ालू भावना की अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तीसरा, चौथा है, चौथा है पीरियड ऑफ ग्रुप, पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ ग्रुप, इसमें समूह की, समूह की एज कहा जाता है, समूह की अवस्था, अवस्था समूह की अवस्था, एज नहीं अवस्था, ठीक है, हिंदी में पीरियड ऑफ समूह की। इस एज के बच्चे को आप देखेंगे कि है, मतलब बराबर देखिएगा कि वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। अगला आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ। पाँचवा है पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मक अवस्था, रचनात्मक अवस्था इसको कहा जाता है, किसको, लेटर चाइल्डहुड को। तो ये पांच पॉइंट हुए, आपने जाना पीरियड ऑफ प्रॉब्लम एज कहा जाता है, स्टेज ऑफ प्रॉब्लम चीज किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अर्लियर चाइल्डहुड को, अर्ली चाइल्डहुड को स्टेज ऑफ प्रॉब्लम कहा जाता है, इसमें कि स्पेसिफिक पर्सनालिटी होती है, उसके बाद होती है इम्फेसिस ऑफ फ्रीडम, उसके बाद एंटेनागोनिस्टिक होती है, मतलब विरोधात्मक होती है, उसके बाद होता है निगेटिविस्ट होता है, निषेधवादक होता है, और लेटर चाइल्डहुड में जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है उसमें होता है स्टेज ऑफ ट्रबल एज होता है, जैसे कि ये बताया मैंने, स्टेज ऑफ ट्रबलसम एज। उसके बाद होता है पीरियड ऑफ क्वारल, मतलब झगड़ालू भावना की अवस्था। उसके बाद होता है पीरियड ऑफ एलिमेंट्री स्कूल एज, प्राथमिक विद्यालय का अवस्था कहा जाता है इसमें, इसमें कहा जाता है। चौथा में है पीरियड ऑफ ग्रुप, समूह की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद पांचवा में है पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मक भावना भी कहा जाता है, ठीक। ये तो हुआ लेटर चाइल्डहुड के, ये पांच पॉइंट हुए। इसमें आप देखेंगे कि अगला जो एक दो पॉइंट तो हो गए, इसमें फर्स्ट ये लेटर चाइल्डहुड, और दूसरा मैंने फर्स्ट बताया था स्टेज ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड, अर्लियर चाइल्डहुड के भी बता दिए मैंने, और ये भी बता दिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके विशेषता में भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं आसानी से, विशेषता में भी डिनोट आसानी से कर सकते हैं। इसको मिटा दूँ और जगह ले रहा है, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, आपको दूसरा में है, यहाँ फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, दूसरा पॉइंट भी बताया, तीसरा मैं बताऊंगा,
तीसरा में है लिविंग इन टॉय वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग इन टॉय, ये आएंगे आपको अर्लियर चाइल्डहुड में, अर्लियर चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में ये आएंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं अर्लियर चाइल्डहुड में पहला आएंगे, तीसरा आएंगे, यानी फर्स्ट तो देख लिए थे, फर्स्ट, हाँ सिर्फ फर्स्ट ही देखे थे ना, हाँ ठीक है। दूसरा आएगा, ये दूसरा आएगा लिविंग इन टॉय वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग इन टॉय वर्ल्ड मतलब ये इसके जो एज होती है दो से, अर्लियर चाइल्डहुड दो से छः वर्ष, अर्लियर चाइल्डहुड दो से छः वर्ष, दो से छः वर्ष की एज होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, लिविंग इन टॉय वर्ल्ड, उसका पूरा संसार जो होता है खिलौनों का संसार कहते हैं, इसमें खिलौनों का संसार, ठीक है, खिलौनों का संसार आप कह सकते हैं। बच्चों को देखिए अक्सर खिलौनों में उलझे रहते हैं, उसी प्रकार से खिलौनों को, खिलौनों में उसका जीवन जीता रहता है उस समय, जिस समय उनकी एज छः से, दो से छः वर्ष तक होती है। अगला है तीसरा पॉइंट, देखिएगा तीसरा पॉइंट में है एज द एज देयर फॉर पर्सीपन ऑफ टीचर प्रिपरेशन बाय टीचर, देखिए यहाँ पर है एज द देयर फॉर प्रिपरेशन बाय टीचर, ठीक है। ये एज जो होता है उसमें उसके एज को जो प्रिपरेशन होता है उसके टीचर के थ्रू होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही दर्शाया गया कि इस एज के बच्चे को, दो से छः वर्ष तक के बच्चे को प्रिपरेशन कराया जाता है टीचर के द्वारा, इस एज में वही होता है। चौथा अगला देखिएगा, अगला है स्टेज ऑफ क्यूरियसिटी, स्टेज ऑफ क्यूरियसिटी, स्पेलिंग में थोड़ा गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उससे आप उच्चारण से स्पष्ट हो जाएगा, स्टेज ऑफ क्यूरियसिटी, ठीक है। इसमें क्यूरियसिटी की जो भावना होती है उसमें ये बच्चे का अवस्था जो होती है क्यूरियसिटी का भावना होता है लिमिटेड, ये अवधि जो होती है लिमिटेड होती है, इस अवधि में आप जान सकते हैं कि इतने सारे पॉइंट आते हैं। पहला मैंने बताया था स्टेज ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें कि मैंने कुछ पॉइंट सब पॉइंट दिखाए थे, स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, इसके बाद होता है एम्फेसिस ऑफ फ्रीडम, एंटीगोनास्टिक होता है, उसके बाद होता है निगेटिविटी, उसके बाद दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये लिविंग इन टॉय वर्ल्ड खिलौनों के संसार, तीसरा था एज ऑफ टीच एज एज द देयर फॉर प्रिपरेशन बाय द टीचर, उसके बाद यहाँ फोर में है स्टेज ऑफ क्यूरियसिटी, और पांचवा में है टाइम ऑफ लिमिट लिमिटेड, ये मतलब इस पांच पॉइंट के थ्रू आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये विशेषता में भी आ जाएंगे, और आपका जो पार्ट होता है इसका व्यवस्था का जो दो पार्ट में मैंने बताया था उसको भी आप लिख सकते हैं इसमें। अगर पूछा जाए कि बाल्यावस्था के कितने प्रकार होते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, बाल्यावस्था के चाइल्डहुड के जो प्रकार होते हैं उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला एपिसोड जल्द आएगा और नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आएगा, अगला सब्जेक्ट का, अगला पेपर का, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि टीचिंग और टीचर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद है एक इंडियन कंटेम्प्रेरी इंडियन एडुकेशन का मैं बताऊंगा, उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग, ये दो पेपर मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।